नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटी मैनेजमेंट एंड पॉलिटी की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, आज हमारा सब्जेक्ट है कि पोल्ट्री फार्म में इकोलाई से बचने के लिए कौन सी दवाई देना है और कैसे देना है और कितनी मात्रा में देना है, पूरा डोज बताएंगे। ये दवाई हमें पानी साफ करने के लिए देना होता है दोस्तों, और कंटिन्यू देना होता है। इससे हमारा पानी का जो पीएच है वो मेंटेन होता है और इकोलाई बीमारी लगभग 99% आपकी नहीं आएगी, उससे सेव हो जाता है हमारा चूजा। दोस्तों, आज हमारा पोल्ट्री का जो है 18वां दिन है और 18वें दिन में हमने जो मेडिसिन दिया है और क्या चेंजेस किया, इसके विषय में हम बात करेंगे। और इससे पहले हमारे पास में यूपी उन्नाव से संदीप जी आए हैं। संदीप जी यूपी में लखनऊ के पास उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हैं और सर ग्राम प्रधान भी हैं। तो सर से ही हम जानेंगे कि कैसा लगा हमसे मिलके। सर, हमारे पास में पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर मशीन लेने के लिए आए। सर को हमने हैमर ग्राइंडर मशीन भी दिखाया और साथ में उससे बना हुआ फीड भी दिखाया और उस फीड से पला हुआ मुर्गा आपके सामने है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, कैसा लगा हमसे मिलके और मशीन अच्छा आपने जो देखा है, कैसा लगा आपको मशीन और मशीन से बने हुए फीड से पला हुआ मुर्गा? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम संदीप प्रधान, ग्राम पंचायत रायपुर राय, थोड़ा सा तेज बोलिए, और आज से हूँ। और मैं यहाँ ग्राइंडर मशीन लेने के लिए आया था फीड बनाने के लिए। कैसा लगा सर मशीन? जी, बहुत अच्छा लगा मशीन। फीड की क्वालिटी आपने देखी सर, फीड की क्वालिटी कैसी लगी आपको? फीड की क्वालिटी एक नंबर है। और दूसरी चीज, आपके चिक्स भी देखे हमने, वो भी 18वें दिन हमें बहुत अच्छे लगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर को हमने पूरा दिखाया है। साथियों, अब हम बात करते हैं इकोलाई की। दोस्तों, इकोलाई के लिए हमारे लगभग सभी फार्मरों को समझने की ज़रूरत है। सभी फार्मरों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है पानी साफ करने की दवाई होती है दोस्तों, क्योंकि अभी क्या बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में इकोलाई बीमारी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो उससे बचने के लिए मैं आपको दवाई बता रहा हूँ जिसका हर पोल्ट्री फार्मर को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसान भाई को उसका उपयोग करना है, जिससे आप 99% जो है इकोलाई से सेव और सुरक्षित हो जाओगे। साथियों, आप देख सकते हैं, आइए इधर लाइए पास में, ये हम दो दवाई पानी साफ करने की देते हैं दोस्तों, और मैं इसकी मात्रा भी बता रहा हूँ। इसका नाम है सेफगार्ड। ये सेफगार्ड दवाई देते हैं हम लोग, इसको हम 100 लीटर पानी में 30 ml देते हैं, ठीक है। दूसरा हम देते हैं सुप्रोक्स, इधर लाओ पास में सुप्रोक्स। ये 100 लीटर पानी में हमें 50 ml देना होता है। दोनों को मिला के आपका जितने 1000 लीटर पानी बनता है उस हिसाब से आप ये दवाई को मिला सकते हैं। इससे आपके चिक्स में जो है इकोलाई नहीं आएगी, पानी का पीएच मेंटेन हो जाएगा। बारिश का पानी आप पिलाते हैं, कुएं का पानी पिलाते हैं तो भी आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये दवाई हमें कंटिन्यू देना है दोस्तों। ये चूजा आने के 2-3 दिन बाद से चालू करना होती है, जो कि मुर्गे के आखिरी जब तक बिकता है तब तक हमें ये दवाई देना होती है। और मेरे हिसाब से सभी फार्मरों को ये देना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पोल्ट्री में यूज़ करता हूँ किसान भाइयों, और इससे हमारा 99% मतलब मेरे पोल्ट्री में अभी तक इकोलाई की प्रॉब्लम नहीं आई। हम क्या कंजूसी कर लेते हैं, एक दवाई यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये दोनों दवाई यूज़ करना चाहिए, तो इससे आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तो साथियों, अभी बारिश का टाइम चल रहा है, पानी भी हमारे पास में अलग अलग रहता है, ऊपर का पानी रहता है, तो पानी साफ करने के लिए दवाई बहुत ज़रूरी है। और आज हमारी पोल्ट्री का 18वां दिन है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारा ये चूजा लगभग 700 ग्राम का, 650 ग्राम का चूजा हमारे आपके सामने, दिखाइए कितना बढ़िया, कितना तंदुरुस्त चूजा है। और ये पूरा हम अपने खुद के फीड से ही मुर्गी पालन करते हैं और सभी को सलाह भी देते हैं कि अपने फीड से ही मुर्गी पालन करें। ये देखिए फीड की क्वालिटी कितनी बढ़िया है, मक्का का दाना जो बराबर क्रेश हुआ है और मिक्सिंग बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आपकी मिक्सिंग अच्छी आएगी साथियों, तो FCR बढ़िया आएगा, मुर्गी वजन अच्छा लेगा। आप पास से दिखाइए कितना बढ़िया बेहतरीन मुर्गा है। आप देख सकते हैं मुर्गे का कलर भी देख सकते हैं साथियों। और हमारे फीड की क्वालिटी देखिए आप,
तो उम्मीद करता हूँ साथियों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं जरूर, और वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों को सभी ग्रुपों में शेयर करें, जिससे सभी वीडियो का लाभ ले सके, सभी को पूरी जानकारी मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।